झारखंड मुक्ति मोर्चा से इस्तीफा देने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भाजपा की ओर से आयोजित मिलन समारोह में चंपई सोरेन को पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। इस दौरान बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया। यह पहली बार था जब चंपई सोरेन ने खुद झारखंड सरकार पर उनकी जासूसी कराने का आरोप लगाया है। इससे पहले केवल बीजेपी ही यह आरोप लगा रही थी। उन्होंने कहा, झारखंड प्रदेश में लंबी लड़ाई लड़ी, जिस संगठन को खून पसीने से सींचा, आज उसी संगठन से बाहर निकला। पहले पोस्ट कर कहा था और पार्टी के अंदर जो पीड़ा हुई उसे व्यक्त किया था। बहुत अपमान के बाद संन्यास लेने का सोचा, लेकिन झारखंड की जनता का प्यार, उनके समर्थन के कारण राजनीति में सक्रिय रहने का फैसला लिया। हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, संघर्ष का उतार चढ़ाव देखा है। सोचा था कि दल बनाएंगे या अच्छा दल मिलेगा तो उसके साथ हो जाएंगे। चंपई सोरेन के पार्टी में शामिल होने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि चंपई सोरेन ने झारखंड को बनाने में बहुत मेहनत की है। उन्होंने अपना जीवन जनता की सेवा में निकाल दिया। उन्होंने झारखंड की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भाजपा का दामन थामा है। हम उनका स्वागत करते हैं। टाइगर अभी जिंदा है, वे झारखंड के टाइगर हैं और हम मिलकर झारखंड में सरकार बनाएंगे। चंपई सोरेन कोल्हान टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हैं। चंपई सोरेन का झामुमो से अलग होना हेमंत सोरेन के फिर से मुख्यमंत्री बनने का नतीजा है। सोरेन को 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिली है। बहरहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर चंपई सोरेन बीजेपी को राज्य के आगामी चुनाव में झामुमो और उनके सहयोगियों को हराने में मदद कर पाएंगे। इस मामले में चंपई सोरेन का खुद का चुनावी रिकॉर्ड उनकी कितनी मदद कर पाएगा। चंपई सोरेन ने अब तक 7 बार विधानसभा चुनाव लड़े हैं, जिसमें उन्हें केवल एक बार हार का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड अनुसूचित जनजाति समाज को साधना चाहती है। चंपई सोरेन की इस समाज में अच्छी पकड़ है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा यह प्रयास कर रही है। अनुसूचित जनजाति JMM का मुख्य वोटर रहा है, तो वहीं चंपई सोरेन JMM के मुखिया शिबू सोरेन के करीबी रहे हैं। दूसरी तरफ JMM के साल 2019 के विधानसभा चुनाव में 14 विधानसभा क्षेत्रों में से 11 पर जीत दर्ज की थी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन था। यही वजह है कि झारखंड में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए भाजपा सोरेन को अपनी तरफ खींच रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव TV न्यूज के साथ।